तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे पास इस वक्त ऐसे आ चुके हैं कि यूट्यूब पर व्यूज़ कैसे बढ़ाएं सब्सक्राइबर कैसे गेन करें और अच्छे से अच्छी वीडियोज़ को किस तरह से उसमें टैग्स डालें डिस्क्रिप्शन डालें तो इसके लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैटर करता है आपकी वीडियोज़ को अपलोड करने के तरीके से जी हाँ दोस्तों तो आज की वीडियो में मैं यही बात बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको अपनी वीडियोज़ जो है वो अपलोड करनी है तो यहाँ पर जैसे कि आप नॉर्मली यूज़ करते हैं अपने यूट्यूब का तो यूट्यूब का जो एप्लीकेशन है आप वहाँ से के सीधा सीधा ऐसे अपलोड कर देते होंगे लेकिन यहाँ पर आपको ये मैथड यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है बिकॉज आपके यहाँ पर व्यूज़ भी कम हो जाते हैं और आपकी सही तरीके से अपलोडिंग तो हो जाती है लेकिन कहीं ना कहीं उसमें डिस्क्रिप्शन सही नहीं डलती लेकिन कहीं उसमें टेक्स नहीं डल पाते तो यहाँ पर करना क्या है आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है सीधे से तो देखो मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ क्रोम ब्राउजर में आपको सारी चीज़ बिल्कुल डेस्कटॉप मोड वाली मिलेंगी जो भी डेस्कटॉप मोड से चलाते हैं बिल्कुल सेम एक्यूरेट आपको वैसे ही मिलने वाली तो देखो यहाँ पे देखो मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है अब ओपन करने के बाद करना क्या है आपको सीधे से यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है अपलोड पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे फॉर एन एग्जाम्पल पे एक छोटी सी वीडियो यहाँ पे उठा के ले लेता हूँ तो यहाँ देखिए अपलोड सेलेक्ट टू अपलोड फाइल तो यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट्स खुल जाते हैं अगर आप कैमरे से बनाना चाहते हो कैमरे तो से बनाओ कैम है आपके पास तो कैम से बनाओ रिकॉर्डर है या डॉक्यूमेंट्स में आपकी कोई फाइल पड़ी है तो आप वैसे बना सकते हो तो सीधा मैं डॉक्यूमेंट्स में चले जाता हूँ मेरी फाइल जो पड़ी हुई है उस फाइल को मैं यहाँ से ले लेता हूँ तो जैसे कि फॉर एन एग्जाम्प मैं एक छोटी सी यहाँ पे वीडियो है इसको उठा के मैं यहाँ से ले लेता हूँ लेने के बाद मैं यहाँ पे देखिए जैसी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो ये मेरा यहाँ एक होम पेज ओपन हो चुका है होम पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर मैं सीधे सीधे इसको आके अब यहाँ पे देखिए यहाँ टाइटल जो भी है आप यहाँ पर टाइटल बिल्कुल दे सकते हैं बिल्कुल वैसे टाइटल दे सकते हैं जो आप अपने डेस्कटॉप पे देते हैं तो डेस्कटॉप पे देने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी अपने वीडियो का टाइटल दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन जो भी आप देंगे वो पूरी सर्चेबल डिस्क्रिप्शन होगी जो भी आप डेस्कटॉप से डिस्क्रिप्शन डालते हो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है टैग क्योंकि कहीं ना कहीं टैग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी वीडियोज़ को आपकी रैंकिंग बढ़ाने के लिए और आपके वीडियोज़ पर व्यूज़ लाने के लिए तो टैग जैसे यहाँ पर डालेंगे तो देखो बिल्कुल वही टैग यहाँ पर शो करेगा जैसे कि इसका टैग अगर मैं डालता हूँ यहाँ पर लव तो लव के बाद मैं यहाँ पर इसको ऐड लगा देता हूँ तो यहाँ पर देखिए टैग बन गया ये टैग बन गया तो इसके बाद आप यहाँ पर कुछ भी बना सकते हैं जैसे आप बना सकते हैं यहाँ पर कि आप यहाँ पर डी ओ टी यहाँ पे आप ये इसको लिख सकते हैं डर्ट लिख सकते हैं तो ये टैग बन गया ठीक है आप यहाँ पे लिख सकते हैं टॉप तो ये कर देंगे तो ये टैग ऑलमोस्ट आपके कंप्लीट बन रहे हैं लेकिन वहाँ पर आपको क्या है यूट्यूब के यूट्यूब एप्लीकेशन में आपको ये टैग लगाने के लिए नहीं मिल पाता है तो कहीं ना कहीं उसकी भी प्रॉब्लम होती है जिस वजह से आपकी वीडियोज़ अच्छी नहीं जा पाती व्यूज़ नहीं आ पाते और उस व्यूज़ के कारण आपका चैनल सही से ग्रो नहीं हो पाता तो अभी आपको मैंने बता दिया किस तरह से करना है आपको सिंपल से उठा के कोई भी वीडियो अपने क्रोम ब्राउज़र से ओपन करना है क्रोम ब्राउजर से ही उसको अपलोड करना है मैं एक बार यहाँ से फिर से बता देता हूँ आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया चलिए अगर स्टार्टिंग से यहाँ देखें तो यहाँ पर स्टार्टिंग हमारा होम पेज कुछ ऐसा खुलता है जिसमें हम यूटूब ओपन कर लेंगे अभी हमने जैसे यूट्यूब ओपन करा है तो यूटूब ओपन करने के बाद यहाँ पर थ्री डॉट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए डेस्कटॉप साइड एक लिखा हुआ आ रहा है जिसको अनेबल और आप री अनेबल भी कर सकते हो तो यहाँ पर मैं इसको अनेबल कर लेता हूँ तो अनेबल होने के बाद मेरा कुछ डेस्कटॉप साइड जो है वो अभी ऐसी खुल चुकी है जो ऑलमोस्ट डेस्कटॉप टॉप पर खुलती है तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे पूरी डेस्कटॉप की एक फाइल खुल गई है जिसमें मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़ूम कर लेता हूँ हल्का सा और जूम करने के बाद यानी कि प्लस के आइकन पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड फाइल आ जाती है अपलोड फाइल मैं कर देता हूँ यहाँ पे और अपलोड फाइल करने के बाद देखिए मेरा वही पेज खुल के आ जाता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अब यहाँ पर मैं किसी पर भी क्लिक कर सकता हूँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में जाके कोई भी फाइल को मैं जैसे यहाँ पर ऐड करूँगा फाइल मेरी यहाँ पर ऐड हो चुकी है ऐड होने के बाद आपके यहाँ पे समरी खुल चुकी है जिस समरी में आप टाइटल डाल सकते हो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो और उसके बाद अपने टैग को भी यहाँ पर डाल सकते हो साथ ही साथ आप यहाँ पर इसको अपनी अनलिस्ट भी कर सकते हो पब्लिक कर सकते हो और यहां पे शेड्यूल भी आप दे सकते हो लेकिन शेड्यूल का जो ऑप्शन है वो आपको वहां पे नहीं मिलता आप किसी भी प्ले है आपकी तो आप प्ले में भी यहां से इसको ऐड कर सकते हो तो दोस्तों वीडियो आज के लिए बस इतनी ही बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है कैसी लगी आपको वीडियो कॉमेंट करके मुझे बताओ दोस्तों और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दो तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही बाय